साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय हम लखनऊ के रविंद्रालय में हैं। पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया कांसीराम साहब की जयंती के उपलक्ष्य में। जो बहुजन पंचायत आपने आयोजित करवाई, क्या उसका मकसद है? आज बहुजन महानायक माननीय कांसीराम साहब का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन पर बहुजन महापंचायत करने का आयोजन जो हमने किया है। आज बहुजन समाज की आज़ादी खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए अब हम बहुजन समाज के लोग को एकजुट करके हम महापंचायत कर रहे हैं। हमारा भारत का बहुजन समाज आज बीजेपी आरएसएस की सरकार में भयभीत है, डरा हुआ है। जघन्य घटनाएं घट रही हैं, कानून हमारा खत्म हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी भारत के बहुजन समाज को एकजुट करने का कार्य आज जो हम कार्यकर्ता बैठक बुलाए थे, जो लखनऊ के चारबाग रविंद्रालय हॉल में था, और यही से माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन से ही हम पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में और जनपद के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम जाएंगे और बहुजन समाज के लोगों को जगा करके हम 2022 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, इसकी तैयारी कर रहे हैं। वो लोग जो आपसे पहले आए, उन्होंने बाबा साहब की बात भी करी, लेकिन इस समय क्या वजह है कि उनके मुंह से आवाजें नहीं निकलती? जब बहुजन समाज के लोग आशा भरी नजरों की से देखते हैं नेताओं की तरफ, तो क्या वजह है कि वो मुद्दे आज नहीं उठा पा रहे हैं? देखिए, कहीं न कहीं वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं। कोई सीबीआई से डर रहा है, तो कोई अपनी संपत्ति को बचाने के लिए बच रहा है। ऐसी स्थिति में वो तो बच जाएंगे, लेकिन हमारा बहुजन समाज नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। हमारे लिए बहुजन समाज सबसे महत्वपूर्ण है, और बहुजन समाज की आज़ादी और संविधान के लिए अगर हमको सब कुछ न्यौछावत में कर ही चुकी हूँ, अपनी जानों की आहुतियाँ भी देने की बात आएगी, तो मैं संविधान के लिए उस पर भी खेलकर हम संविधान को बचाएंगे। हम इनसे समझौता ना किया है और ना करेंगे। हमारे महापुरुषों ने इन मनवादियों से, संविधान विरोधियों से कभी समझौता नहीं किया है। मैं भी समझौता नहीं करूंगी, मैं विचारधारा से समझौता नहीं करूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी को रोकने के लिए हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने विचारधारा से समझौता कतई नहीं करेंगे। बहुजन समाज के लिए किसको ज्यादा बड़ा खतरा मानती है, ये मनुवादी मीडिया या आरएसएस? देखिए, आरएसएस की बहुत बड़ी साजिश है। हजारों साल से आरएसएस के लोग जड़े जमा करके बैठी है, और वो काफी वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि कब हमें मौका मिलेगा जो हम संविधान खत्म करेंगे। आज बहुजन समाज के लोग इनके झांसा में आ करके और आज सरकार में आ गए हैं, और उन्हीं बहुजन समाज का सब कुछ अधिकार खत्म कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब बहुजन समाज के लोग चिंतित हैं, और मीडिया, मैं तो देख रही हूँ कि जो मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हो, वो जो सही बात, सही खबर को दिखाना चाहती है, तो कहीं न कहीं उनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। लेकिन सच को सच कहने में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कभी डरे नहीं, निर्भीक होकर के उन लोग सही न्यूज को दिखाने का काम किया है। उन साथियों को मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं उनको सादर जय भीम करती हूँ, और वो निरंतर संघर्ष करते रहें, हम सब बहुजन समाज उनके साथ रहेंगे। बहुजन समाज के लोग पहले भी ठगे गए, तो आप पर भरोसा क्यों करें? क्या है ऐसा आपके पास कि लोग भरोसा करके आपके पास आए? देखिए, आज मैं जो लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रही हूँ। आज बहुजन समाज ठगा हुआ अपने को जो महसूस कर रहा है, दूध की जली बिल्ली दही भी फूंक फूंक के पीती है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं नेताओं ने जनता पर से विश्वास खत्म कर दिया है। अब जो सही काम करने वाले लोग हैं, नेता उनसे भी वो परखना चाहती है। आज जो उनको, बहुजन समाज को लगता है कि आखिर में आज हम कहाँ जाएं? जो हमारी आज़ादी है, जो हमारा संविधान है, सब तो खतरे में है, और नेता अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं, तो हमको कौन ऐसा नेता मिलेगा जिसके नेतृत्व में हम सही लड़ाई लड़ेंगे? निश्चित रूप में पूरा भारत का बहुजन परख भी रहा है, जान भी रहा है, और आज जो पूरी तरीके से हमारे साथ जो खड़ा दिखाई दे रहा है, अभी आपने रविंद्रालय हॉल में देखा है, ये कार्यक्रम है। आज इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद के लोग थे, और भारत के कई प्रदेश के लोग भी कार्यक्रम में आए थे। बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी थे, टोटल बहुजन समाज के लोग थे। निश्चित रूप से उनको विश्वास हो रहा है कि अगर हमारी कोई लड़ाई लड़ेगा
तो कहीं ना कहीं विश्वास है, तभी वो आज हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम में आए हैं। निश्चित में उनको मैं भरोसा दिलाती हूँ कि चाहे जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, हम इन मनवादी से समझौता कब तय नहीं करेंगे और बहुजन समाज को की आज़ादी के लिए हर पल हम संघर्ष करते रहेंगे और बहुजन समाज को आज़ादी दिला करके ही रहेंगे। वो मिसाल हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध जी रहे हों, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले जी रहे हों, चाहे वो शाहू जी महाराज रहे हों, चाहे वो संत गाडगी जी रहे हों, चाहे वो ललित सिंह यादव जी रहे हों, हमारे तमाम महापुरुषों ने एक प्रमाण के रूप में काम किए हैं। हम उनकी विचारधारा पर चल करके हम काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। हम सही रास्ते पर चलेंगे, वफादारी ईमानदारी लगन और त्याग के साथ लड़ाई लड़ेंगे, जनता हमारे साथ रहेगी। हम मैं तो कहती हूँ संविधान के लिए, मेरे लिए नहीं, संविधान के लिए सभी लोग एकजुट होकर हम लोग लड़ाई लड़े, इसी कारवां को लेकर आज से ही हम शुरुआत करेंगे और प्रत्येक उत्तर प्रदेश के जनपदों में हम जाएंगे। निश्चित रूप से हम बहुजन को जगाकर 2022 में बीजेपी को रोकने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की सरकार होगी, कांशीराम बहुजन समाज की ही सरकार होगी। आपने पार्टी का नाम कांशीराम साहब के नाम पे रखा, कांशीराम बहुजन समाज पार्टी, तो कांशीराम साहब के कौन से मिशन थे जो अभी अधूरे हैं और आप उनको पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं? कांशीराम साहब ने जो आंदोलन किया है, कांशीराम साहब के आंदोलन भारत ही नहीं दुनिया के लोगों ने उनके आंदोलन को माना है। कांशीराम साहब ने बहुजन समाज के लिए अपना घर छोड़ा, अपनी नौकरी छोड़ी, अपना परिवार छोड़ा और पूरे भारत में साइकिल से यात्रा करके 42,000 किलोमीटर साइकिल से यात्रा करके, सूखी रोटी खा करके, जमीन पर सो करके, बहुजन समाज के दरवाजे पर कुंडी खटखटा करके बहुजन समाज को जगाने का काम किया है। और जब बहुजन समाज को जगाने का काम किया है तो मैं माननीय कांशीराम साहब को एक साक्षी के रूप में मैं उनके नाम पर पार्टी बनाकर उनकी जो विचारधारा है उनकी विचारधारा को चलाने के लिए मैं निकल पड़ी हूँ। और चाहे जिन स्थितियों का सामना करना पड़े, मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। मैं तथागत गौतम बुद्ध जी का चीवर पहन करके संन्यास रूप में मैं निकल पड़ी हूँ। मैंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई भयभीत नहीं कर सकता। इसलिए हम बहुजन समाज के सच्चे सिपाही हैं, कांशीराम साहब के सच्चे सिपाही हैं। इसलिए उनकी जो विचारधारा है, उन्होंने बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी, आज वो हमारे बीच में हमारा रहवर नहीं है। उनके मिशन, उनके कारवां को आगे लेकर के चलने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए उनकी विरासत भी लिया है तो उनका संघर्ष, उनका आंदोलन भी हमें लेना पड़ेगा, इसलिए उनके आंदोलन को लेकर मैं चल रही हूँ। गूंगी बहरी राजनीति के इस दौर में सावित्रीबाई फूले ऐसी नेता हैं जो न सिर्फ बोलती हैं बल्कि सड़क पर संघर्ष करते हुए भी दिखाई देती हैं और उनके पास इस समय संघर्ष करने वालों की अच्छी खासी तादाद भी है। हम उम्मीद करते हैं कि जो बहुजन राजनीति का आप एक नया चेहरा बन रही हैं, ये उम्मीद लोगों पे आप खरी उतरेंगी। मैं बड़ी वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ काम कर रही हूँ, बहुजन विचारधारा को लेकर चलने का काम कर रही हूँ और बहुजन विचारधारा को लेकर चलने के लिए चाहे जो भी कठिनाई हमारे सामने आएगी, हम बहुजन विचारधारा से, इन दुश्मनों से कभी समझौता नहीं करेंगे, चाहे जो भी कुछ हो। बहुत बहुत मंगल कामना। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो